أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج جمعة المبارک کے دن مجلس انصار اللہ यूके का सालाना इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है और उसमें शिरकत के लिए बाज यूरोप की दूसरी मजालिस के नुमाइंदगान भी तशरीफ लाए हुए हैं। इसी तरह आज ही मॉरिशस की जमात का सालाना जलसा मुनक़िद हो रहा है और अमीर साहिब मॉरिशस का मुझे परसों ख़त मिला है जिसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि चूंकि आपका ये खुतबा बरह रास्त मॉरिशस में सुना जा रहा होगा इसलिए हमारे इस इजलास जलसे को मलहूज रखते हुए चंद कलिमात हमारी जमात को मुखातब करके भी कहें, उससे जमात की हौसला अफजाई होगी। जहां तक जमाती निजाम का ताल्लुक है, खुदा ताला के फजल से वो एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। इस पहलू से कि पाकिस्तान की जमातों से बाहर पहले वो निज़ाम जो पाकिस्तान में या उससे पहले हिंदुस्तान में राज था वो तमाम दुनिया में उस तरह तफसील से राज नहीं हुआ था, बल्कि बिलअमूम दस्तूर यही था कि जो मरकजी नुमाइंदा बतौर मुरब्बी किसी मुल्क में मुकर्रर किया जाए वही अमीर हुआ करता था और दरअसल उसी की वसातत से मरकज से सारी जमात का राबता रहता था या बाज़ सूरतों में अदमे राबता का भी वही जिम्मेदार बनता था। गुज़श्ता चंद सालों से अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई कि सारे निज़ाम आलम को हमगीर किया जाए और जमात अहमदिया दुनिया में जहां कहीं भी पाई जाए एक ही निज़ाम की लड़ियों में मुंसलिक हो, एक ही असलूब पर चल रही हो और मुल्क मुल्क का फर्क न रहे। इसके साथ ही कुछ अर्सा पहले एक ये फैसला भी किया गया कि सदरान मजलिस मरकजिया यानी खुदामुल अहमदिया के सदर और अंसारुल्लाह के सदर और लजना की सदर ये तमाम दुनिया के सदरान न हों बल्कि हर मुल्क का सदर अपने मुल्क के लिहाज से जवाबदेह हो और वही आखिरी जिम्मेदार उस मुल्क में हो जिसका ताल्लुक बराह रास्त खलीफे वक्त से हो और इस तरह हर दुनिया में सदारत का निज़ाम भी पाकिस्तान के सदारत के निज़ाम के मुतवाजी जारी हो जाए और ये न हो कि सदारतें पाकिस्तान की सदारत के ताबे उनकी वसासत से खलीफ़ वक्त से राबता रखें। इन दोनों इंतजामी तब्दीलियों के नतीजे में अल्लाह ताला के फजल से
जमात में गैर मामूली बेदारी पैदा हुई और नशो नुमा के लिहाज से एक ऐसे दौर में दाखिल हुई है जो खुदा ताला के फजल से बहुत ही उम्मीद अफजा है और बहुत तेजी के साथ जमात के हर हिस्से, हर शोबे और हर तबके जिंदगी में बेदारी पैदा हो रही है। इसके नतीजे में जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं और बाज उमरा पर और बाज सदरान पर इतना बड़ा बोझ पड़ा है कि बाज दफा वो परेशान हो जाते हैं और बाज दफा रहनुमाई के लिए मुझे लिखते हैं कि अल्लाह ताला के फजल से जमाती काम इस तेजी से बढ़ रहे हैं और जमाती मामलात में दिलचस्पी लेने वालों की तादाद इस तेजी से बढ़ रही है और फिर नए नए प्रोग्राम भी मिलते चले जा रहे हैं, तो किस तरह हम इन तमाम जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सकेंगे। सिर्फ मुल्की सतह ही पर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर मुकामी सतह पर भी बाज अहमदियों पर जब जिम्मेदारी डाली जाती है तो वो इस जिम्मेदारी के तकाजों के ख्याल से लरजते हैं और बड़े ही इनकिसार और लजाजत से खत लिखते हैं कि हम कैसे इस अहम जिम्मेदारी को अदा कर सकेंगे। तो जहां बेदारी आम होती चली जा रही है वहां होती चली जा रही है वहीं बेदारी के नतीजे में पैदा होने वाली जिम्मेदारियां भी साथ बढ़ती चली जा रही हैं। इस पहलू से मैंने सोचा कि आज दो बातों की तरफ तमाम दुनिया के उमरा को भी और सदरान को भी और इसी तरह उन तमाम ओहदेदारान को मुतवज्जे करूं जिन दो बातों पर निजाम जमात का इन्हिसार है और इसी तरह बाकी ओहदेदारान भी इस नसीहत में शामिल हैं। अगर वो इन बातों को खूब अच्छी तरह जहन नशीन करके इनसे मुंसलिक हो जाएंगे, जिंदगी भर इन बातों से चिमटे रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उनके सारे मसाइल आसानी से हल होंगे और जमात अहमदिया के निजाम को चलाने के मुतल्लिक किसी किस्म की बेवजह की फिक्र लाहक नहीं होगी। एक फिक्र तो वो होती है जो हर जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदारी के साथ ही लाहक हो जाती है, वो उसका ताल्लुक तो उसकी जिंदगी से है, मौत तक ये फिक्र उसको दामनगीर रहती है। और एक फिक्र वो होती है जो बदइंतजामी के नतीजे में पैदा होती है। बस मैं जिस फिक्र के दूर होने की खुशखबरी देता हूं वो बदइंतजामी के दूर होने की फिक्र से निजात की खुशखबरी देता हूं, जिम्मेदारी के फिक्र से निजात की खुशखबरी नहीं, वो तो एक बुरी खबर होगी अगर मैं दूं। तो हर ओहदेदार अल्लाह ताला के फजल के साथ एक फिक्र में तो मुबतला है और जिंदगी भर मुबतला रहेगा, उसका उस फिक्र में मुबतला रहना उसकी जिंदगी की अलामत है और उसके इस फिक्र के बढ़ने की दुआ करनी चाहिए, कम होने की नहीं। लेकिन जहां काम के बोझ बढ़ने के नतीजे में खला रह जाते हैं और ओहदेदारान की तरबियत की कमी की वजह से परेशानियां पैदा होती हैं, वो फिक्रें बहरहाल दूर होनी चाहिए और उनको दूर होने के इलाज भी सोचते रहना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस किस्म की फिक्रों से हमारे तमाम ओहदेदारान को आजाद करे। पहली बात तो उस मिसाल के साथ आपके सामने रखता हूं जो गालबन पहले भी बयान कर चुका हूं और आप में से कई ने हजरत चौधरी जफरुल्लाह खान साहब रजी अल्लाह अन्हु की किताब में पढ़ी भी होगी। एक मौके पर उनकी वालदा से वायसराय ने, हिंदुस्तान के वायसराय ने यह सवाल किया कि मुझे बताइए कि क्या एक छोटे से घर का इंतजाम चलाना ज्यादा मुश्किल है या एक ऐसी अजीम सल्तनत का इंतजाम चलाना जो इस पर सूरज गुरूब ना होता हो। तो उनकी वालदा ने बड़े तहम्मुल से और बड़ी गहरी फिक्र के साथ जवाब दिया कि अगर खुदा का फजल शामिल हाल ना हो तो छोटे से छोटे घर का इंतजाम भी चलाया नहीं जा सकता, छोटी से छोटी जिम्मेदारी को भी अदा नहीं किया जा सकता, और अगर खुदा का फजल शामिल हाल हो जाए तो बड़ी से बड़ी सल्तनत का इंतजाम चलाना भी कोई हैसियत नहीं रखता, हर पहलू से आसान हो जाता है, खुद ब खुद चलने लगता है। कितनी गहरी तकवा की बात है
जो सिर्फ मुत्तकियों को नसीब हो सकती है, और एक आरिफ बिल्ला का कलाम है, उसके सिवा किसी के जेहन में ऐसा खूबसूरत, ऐसा हसीन, ऐसा हकीकी जवाब आ ही नहीं सकता। बस इस बात को याद रखें कि जमाती जिम्मेदारियां बढ़ने के नतीजे में जहां आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं वहां अल्लाह से ताल्लुक रखने के नतीजे में अल्लाह ताला की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और वो बंदे जो खुदा से प्यार करते हैं और खुदा पर इन्हिसार करते हैं उनके काम खुदा खुद आसान कर देता है और उनके काम अज खुद रवा हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी नसीहत यह है कि कामों के बढ़ने के नतीजे में आप खुदा से ताल्लुक बढ़ाएं और उस पर इन्हिसार करें। इसका बरक्स बहुत ही खतरनाक है, जहां आप ये ख्याल करें कि गोया आपके जोर पर काम चल रहे हैं वहां एक नफसानियत का कीड़ा दाखिल हो जाता है जो नेक अमाल को खाने लगता है, और वहीं कामों में खराबी की बुनियादें पैदा हो पड़ जाती हैं, खराबी के का आगाज शुरू हो जाता है। इसलिए वो लोग जो खुदा ही पर तवक्कुल रखते हैं और यकीन करते हैं कि सारे काम खुदा के फजलों से चलेंगे, वो हमेशा दुआओं में मसरूफ रहते हैं और अल्लाह ताला के फजल से उनके काम बेहतर होते चले जाते हैं, और बेहतर होने के नतीजे में उनको तकब्बुर की ठोकर नहीं लगती बल्कि इंकिसार बढ़ता है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल बढ़ता है और अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ती है, उसके लिए दिल में ज्यादा तशक्कुर के जज्बात पैदा होते हैं और उनके उसके रद्द अमल के नतीजे में फिर खुदा ताला का ये वादा पूरा होता है कि जो भी मेरा शुक्रगुजार बंदा होगा उसको मैं मजीद दूंगा। बस सबसे अहम नुक्ता यही है जिसको आप याद रखें, पल्ले बांध लें, कभी एक लम्हा के लिए भी भुलाएं नहीं कि इंतजाम खा कितने ही बड़े और वसी तर होते चले जाएं, खुदा के फजल से चलेंगे और जो लोग खुदा से ताल्लुक रखते हैं उनके काम आसान हो जाया करते हैं, अल्लाह ताला खुद अपने फजल से वो काम बना देता है। इसलिए अपना ताल्लुक बढ़ाएं और फिर दुआओं पर जोर दें, और याद रखें कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए सबसे पहला ख्याल दुआ का होना चाहिए और सबसे पहला सहारा खुदा का ढूंढना चाहिए। ये आदत आपके जिंदगी भर काम आएगी और हमेशा आपके सारे काम आसान करती चली जाएगी। दूसरा पहलू है तकवा का, जिसका इसी से ताल्लुक है। अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाना हो तो तकवा का मेयार भी बढ़ाना चाहिए, और इस पर मैं बहुत दफा गुफ्तगू कर चुका हूं, लेकिन ये मजमून इतना वसी है बल्कि अमलन लामुतना ही है। मैं समझता हूं कि जिस तरह खुदा की जात लामुतना ही है उस तरह तकवा का मजमून भी लामुतना ही है, क्योंकि इसका खुदा की जात से गहरा ताल्लुक है। तमाम तर इन्हिसार तकवा का अल्लाह ताला पर है, इसलिए मुत्तकी के बुलंद मरातिब इख्तियार करने के साथ साथ तकवा का मजमून भी फैलता चला जाता है और वसत इख्तियार करता चला जाता है और उसकी कोई हद नहीं आती। इस पहलू से खा लाख खुतबात भी दिए जाएं, ये मजमून अपनी जात में खत्म होने वाला मजमून नहीं। आज मैं इस पहलू से अमीरों को और दीगर अहदेदारान को, सदरान मजालिस हों या दीगर अहदेदार हों, उनको इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं कि वो इस दुआ को, जिसकी तरफ पहले भी मैं मुतवज्जे कर चुका हूं, उसको खुसूसियत के साथ अपना लाजिमा बना लें, इस दुआ के साथ चिमट जाएं और इस दुआ को अपने साथ चिमटा लें, और वो है कि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ऐ खुदा हमें मुत्तकियों का इमाम बना। ये दुआ करते हुए जब वो इस पर गौर करेंगे तो इसके नतीजे में नए नए मजामीन उनको सुझाई देंगे और वो मजामीन उनके काम आसान करेंगे। खासतौर पर इस मजमून को पेश नजर रखें कि अगर कोई अमीर है या सदर है या जैसा कि मैंने कहा है दूसरा अहदेदार है, उसका काम तब अच्छा होगा
अगर वो मुत्तकियों का इमाम बनने की दुआ भी करेगा और कोशिश भी करेगा और अपने मातहतों का तख्वा का मैयार बढ़ाने की कोशिश करेगा। आम तौर पर यह देखा गया है कि मुंतजमीन ये समझते हैं कि हम अगर हुस्ने इंतजाम से आरास्ता हों, यानी ये सलाहियत हम में हो कि हम अच्छा इंतजाम चला सकें, तो यही काफी है। हालांकि हरगिज ये काफी नहीं है। हुस्ने इंतजाम अपनी एक अहमियत रखता है, लेकिन वो मोहरे जिनको उसने चलाना है, वो मादा जिससे उसने काम लेना है, उसकी अपनी सिफात हैं, अपनी खसलतें हैं, जिसका जिनके अच्छे होने के नतीजे में हुस्ने इंतजाम बेहतर फल लाएगा और जिनके कमजोर होने के नतीजे में हुस्ने इंतजाम को भी उसी तरह कमजोर और नाकिस फल लगेंगे। हमारी जमात का कारकुन वो मादा है जिसका मेयार बढ़ाना जरूरी है। अगर इस मादे का को तख्वा नसीब हो तो इसके अंदर नई सिफात उभरेंगी, नई खसूसियात पैदा होंगी और एक अच्छा मुंतजिम ऐसे मादे से बहुत बड़े बड़े काम ले सकता है। अगर तख्वा का मेयार गिरा हो तो ये एक बुसीदा और बेकार मादा होगा जिसके नतीजे में अच्छे से अच्छा हुस्ने इंतजाम भी इस पर अच्छा अमल नहीं दिखा सकता और अच्छा नतीजा पैदा नहीं कर सकता। जो बुसीदा चीज है उसको कहां तक आप संभाल सकते हैं, जो शक्ल भी देंगे वो शक्ल आरजी साबित होगी और रखने वाली होगी। इसलिए मटेरियल यानी मादे का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। और ये दुआ हमें ये बात सिखाती है कि दीनी इंतजामात में, दीनी मामलात में हर अमीर, हर साहिब अमल को अपने मातहतों के तख्वा का मेयार बढ़ाने की फिक्र करनी चाहिए, वरना वो दुआ असर नहीं दिखाएगी जिसके साथ उस दुआ की ताईद में नेक आमाल शामिल न हों। ये वो अमल साले है जो रिफत अता करता है दुआ को। बस हर दुआ के साथ एक अमल साले का मजमून भी चिस्पा है, उसके साथ वाबस्ता है, उसको लाजिम है और उसी अमल साले को इख्तियार करना चाहिए जिसके लिए दुआ की जा रही है। बस तमाम उमरा और तमाम उहदेदारान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी अपनी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि जहां वो अपने लिए मुत्तकियों का इमाम होने की दुआ करें, वहां अपने मातहतों का तकवा का मेयार बढ़ाने की कोशिश करें। और इस पहलू से मुझे ये खला महसूस होता है कि हमारे जमात के भी बहुत से मुंतजमीन इसको बरह रास्त अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये दो अलग अलग बातें हैं, हम हैं इंतजाम के सरबराह और मुरब्बियान या बाज बुजुर्ग लोग तकवा के सरबराह हैं और गोया ये दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि जमात अहमदिया में जो एक रूहानी जमात है, हुस्ने इंतजाम को हुस्ने तकवा से अलग किया ही नहीं जा सकता, एक ही चीज के दो नाम हैं। जिंदगी के वजूद का हिस्सा, मोमिन की जिंदगी के वजूद का तकवा एक दायमी हिस्सा है। इसलिए ये बातिल तसव्वुर दिल से बिल्कुल निकाल दें कि आप मुंतजिम हैं और तकवा के निगरान और लोग हैं। आप ही मुंतजिम भी हैं और आप ही तकवा के निगरान भी हैं। इसलिए सबसे ज्यादा नजर आपकी अपने मातहत कारकुनों के तकवा पर भी होनी चाहिए और आम अफराद जमात के तकवा पर भी होनी चाहिए। और हमेशा इस वक्त फिक्र में गलता रहना चाहिए कि मेरे दायरा कार में जो अहमदी बसते हैं, खा किसी हैसियत से भी हों, किसी उम्र से ताल्लुक रखने वाले हों, उनके तकवा का क्या हाल है। उन पर नजर रखनी जरूरी है, उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए हमेशा तजियाती नजर इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन तजियाती नजर का से मुराद तखरीबी तनकीदी नजर नहीं या मुंतकमाना नजर नहीं। इस मामले में भी जमात को बार बार नसीहत की जरूरत है। बाद लोग अपनी खुश्की को नेकी समझने लगते हैं और खुश्क मिजाजी की वजह से, क्योंकि वो बदी करने के अहल ही नहीं होते,
क्योंकि मिजाज ही बड़ा खुश्क होता है, उसमें रस ही कोई नहीं, वो उससे नुचोड़ेगा कोई क्या, ना नेकी नुचड़ती है ना बदी नुचड़ती है। और वो समझ रहे होते हैं कि हम तकवा के बड़े आला मयार पर फायज हैं, और उनकी इलामत यह है कि उनकी तनकीदी नजर हमेशा लोगों को छल नहीं करती रहती है और कभी अंदरूनी नजर से अपने आप को नहीं देखते, और ये भी नहीं देखते कि मेरी बातें किसी को तकलीफ पहुंचाती हैं या आराम पहुंचा रही हैं, मैं बनी नौ इंसान के फायदे के लिए बातें कर रहा हूं या अपना एक दबा हुआ जज्बा इंतकाम पूरा कर रहा हूं और यह जाहिर कर रहा हूं कि मैं बेहतर हूं, तुम लोग गंदे हो। ऐसे लोग नेकों पर भी तनकीद करते हैं ये बताने के लिए कि जी ये फलां बात में तो नेक होगा, आपको लगता होगा, अंदर से फूलो तो ये हाल है, और वो गोया खुदा ने उनको दरोगा बनाया हुआ है अंदर से फूलने का। ये फूलने का लफ्ज पंजाबी है लेकिन है बहुत बरमहल इतलाक पाने वाला, इसलिए मैंने अमदन इसको इस्तेमाल किया है, यानी कुरेद कुरेद कर अंदर से तलाश करके करीब से देख कर मालूम करना कि कौन कौन से नक्स इसकी उस पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं जो खुदा की सत्तारी का पर्दा है। बस ये खुदा की सत्तारी के पर्दे को चाक करके उससे परे झांक कर मोमिनों की बुराइयां तलाश करने वाले लोग होते हैं। अमीर को और मुंतजिम को ऐसी आंख से एतराज जरूरी है और ऐसी सरिश से उसको तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहिए। उसकी नजर बिल्कुल और तरीक से अपनी जमात को अपने मातहतों को देखती है जैसे मां अपने बच्चे को देख रही होती है। उसकी मोहब्बत में प्यार होता है, उसकी नजर में प्यार होता है, उसकी नजर में फिक्र होता है। उसकी नजर जब किसी बुराई को तलाश करती है तो उसको गहरा गम लगा देती है, रोग लगा देती है, और वो बेचैन हो जाता है, दूसरे को बेचैन नहीं करता, खुद बेचैन होता है, और उस बेचैनी के नतीजे में उसके दिल से जो दुआएं उठती हैं उनमें एक अजीब शान पैदा हो जाती है जो मकबूलियत की शान है, और उसकी नसीहत में असर पैदा हो जाता है। बस इस पहलू से खामियों पर नजर रखें, क्योंकि खामियों को दूर करने की जिम्मेदारी हर ओहदेदार की जिम्मेदारी है जो अपने दायरा कार में असर दिखाएगी। लेकिन इस नजर से, जिस नजर से मैंने आपको तलकीन की है, इस नजर से खामियों पर निगाह रखें और उनको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहें। और याद रखें कि जितना ज्यादा आप जमात के तक अपने मातहतों के तकवे के मयार को बुलंद करेंगे उतने ही अजीम शान कामयाब मुंतजिम साबित होंगे और अल्लाह की नजर में आपका अपना मर्तबा बुलंद होगा। इस सिलसिले में एक और चीज भी है जो कुरान करीम हमें तकवा के मयार को बढ़ाने के लिए बताता है, उसको खसूसियत से पेश नजर रखना चाहिए, और वो ये है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तुम्हें सबसे ज्यादा मुअज्ज़ज़ वो शख्स है अल्लाह के नजदीक जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज्ज़ज़ वही शख्स है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, लेकिन ये बात भी तो दुरुस्त है कि जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा वो सबसे ज्यादा अल्लाह के रंग ढंग इख्तियार करने की कोशिश करेगा। बस हर मुत्तकी का काम है कि तकवा को इज्जत दे, क्योंकि तकवा खुदा की नजर में इज्जत पाता है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसको अपने रोजमर्रा के मामलात में इख्तियार करने के नतीजे में जमात में तकवा की कदर व कीमत बढ़ेगी। और इस सिलसिले में भी बास खतरात हैं जिनसे बचकर चलना जरूरी है। आदियान में मुझे याद है कि हमने ये बातें विरसे में पाई थीं, यानी वो नस्लें जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा के साथ मिलकर बड़ी हैं और उस माहौल को उन्होंने पाया है, उनकी अपनी कोई खूबी नहीं थी मगर सहाबा की जो तरबियत हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी उसके नतीजे में ये रोजमर्रा की बातें थीं जिनका नसीहत से ताल्लुक नहीं था बल्कि एक मुआशरती विरसा था। और उस विरसे में यह बात शामिल थी कि इज्जत के लायक वही है जो नेक है, और उसमें
जो क्लास का फर्क है ये बिल्कुल कुलियतन नजरअंदाज हो जाया करता था। यानी मुख्तलिफ तबकात जो दुनिया की नजर में यानी दुनिया के पैमानों से बनाए जाते हैं और जिनमें दुनियावी वजाहत, ओहदा, मुकाम, मर्तबा, दौलत, ये सारे वो मुहर्रिकात हैं जो किसी रंग में हिस्सा लेते हैं और उसके नतीजे में क्लासेस का वजूद उभरता है और तबकात बनते हैं। ये भी एक तभी रोजमर्रा जारी रहने वाला सोशल निजाम है और इससे मोमिन भी कुलियतन बच सकता ही नहीं, क्योंकि ये एक निजाम है जो खुद ब खुद तश्कील पाता चला जाता है और तबकात उभरते चले जाते हैं। लेकिन जहां तक इज्जतों का ताल्लुक है, वहां इज्जतों के मामले में मोमिन हमेशा अल्लाह ताला के इस फरमान को पेश नजर रखता है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तबकात बेशक हों, हमने तुम्हें शुऊब और कबाइल में भी तकसीम किया हुआ है। इस तरह इंसान भी तबकात में बढ़ जाता है, लेकिन जहां तक इज्जतों का ताल्लुक है तुम हमेशा तकवा को इज्जत देना, क्योंकि खुदा तकवा को इज्जत देता है। इस असूल को हमने कादियान में उस जमाने में कार फरमा देखा जिसका मैंने जिक्र किया था और ये मैं बताना चाहता था कि इसका नसीहतों से ताल्लुक नहीं था, ये एक हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अखलाकी तरबियती विरसा था जो नस्लों ने पाया था। इस विरसे को महफूज रखने की जरूरत है और इसकी सरमायाकारी की जरूरत है। अब वो दौर आ गया है जिस दौर में इस विरसे को दोबारा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तमाम दुनिया में फैलने वाली जमातों ने अज खुद ये विरसा अपने आबाओ अजदाद से नहीं पाया। इसलिए मैंने लफ्ज सरमायाकारी इस्तेमाल किया। ये जमात अहमदिया का बहुत ही कीमती सरमाया है और तादाद के मुकाबले पर यह सरमाया कम होता दिखाई दे रहा है, इसलिए इस सरमाए को बड़ी हिकमत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ दानिशमंदी से बढ़ाना चाहिए और हरकत में लाना चाहिए। बस उमरा और उहदेदारान अगर ये बात हमेशा पेश नजर रखें कि तकवा को इज्जत मिलनी चाहिए तो अल्लाह ताला के फजल से दोबारा ये सरमाया नशो नुमा पाने लगेगा और जमात फिर इस पहलू से बहुत ही मुतमव्वल होती चली जाएगी, यहां तक कि हम इस दौर की तमाम नस्ल को इस पहलू से इतना मुतमव्वल और गनी कर दें कि आइंदा आने वाली नस्ल फिर शुक्र के साथ उनकी तरफ देखे, जिस तरह हमने बड़े ही शुक्र के साथ झुकी ही निगाहों से अपनी पहली नस्लों को देखा था और इस बात को हमेशा दिल में जानशीन किया कि हम उनकी दौलतों का सरमाया हासिल करने वाली नस्ल है। वैसा ही आज की नस्ल खुदा करे कि इस पहलू से इतनी मुतमव्वल हो जाए कि वो आइंदा आने वाली तमाम नस्लों को जो सारी दुनिया में कहीं भी हों उनको ये सरमाया अता करने वाली नस्ल बने और ये सरमाया उनके हाथों में छोड़कर जाने वाली नस्ल बने। इस पहलू से जैसा कि मैंने बयान किया था बाज खतरात भी होते हैं, रियाकारियां भी शुरू हो जाती हैं बाज दफा और तसन्नुआत भी आ जाते हैं, बाज और कई किस्म के भी ऐसे खतरात उभरते हैं जिनकी निशानदेही जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं मुख्तसरन आपको बताता हूं कि कादियान का मुआशरा था क्या। एक ऐसा अजीब मुआशरा था जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं थी। वहां एक गरीब मजदूर जो सारा दिन मेहनत करके पालता था, अपना पेट पालता था, बच्चे थे तो उनकी निगरानी भी करता था उसी मेहनत से, वो ऐसी बाल दफा अपनी नेकी की वजह से ऐसा इज्जत का मुकाम पाता था कि बड़े बड़े दुनियावी तबकात से ताल्लुक रखने वाले झुककर उससे मिलते थे, उसको मोहब्बत और प्यार और इकराम की नजर से देखते थे, मुसाफा करते वक्त इज्जत के साथ मुसाफा किया करते थे और दुआ की दरखास्त करते थे। ऐसे फकीर भी थे वहां
जिनकी बेहद इज्जत की जाती थी। मुझे याद है हमारी मस्जिद मुबारक के नीचे सीढ़ियां उतरते ही बाई तरफ एक चबूतरे के ऊपर शमसुद्दीन मरहूम एक दरवेश थे जो मफलूज थे और उनका गुजारा भीख पर था, लेकिन कोई दुनिया का भिखारी इस शायद कम ही कभी किसी ने इतनी इज्जत पाई हो जितनी वो भाई शमसुद्दीन की इज्जत की जाती थी, क्योंकि ये भी हमारे माशरे का विरसा था कि चूंकि वो नेक इंसान थे और खुदा से ताल्लुक रखने वाले इंसान थे और भिखारी इस रंग के नहीं थे कि भीख की खातिर बैठे हों। एक मफलूज आदमी बैठा था, जो आए कभी इज्जत और मोहब्बत के साथ कुछ दे जाए तो उसको दुआ देकर कबूल करते थे और उसी से चंदे भी दिया करते थे। उनके इस मुकाम का एक एहतराम कायम था और बच्चे भी जब गुजरते थे तो भाई शमसुद्दीन कह के सलाम करके अदब से झुक कर वहां से गुजरा करते थे। वहां बाज पागलों की भी इज्जत की जाती थी क्योंकि वो नेकी की हालत में पागल हुए और पागलपन की हालत में भी नेकी साथ चल रही थी और उनके साथ भी बड़ी मोहब्बत और एहतराम का सलूक किया जाता था। चुनांचे एक ऐसे ही पागल थे जो मुझे याद है हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के मर्दाने में बड़े हक के साथ दाखिल हुआ करते थे। उनकी वहां जो मुतालबा हो वो पूरा करने की कोशिश की जाती थी, मरीज में बैठते थे, अपने रंग की बातें करके चले जाया करते थे और पागलपन तो था लेकिन पागलपन के साथ कुछ नेकी की हिकमत भी होती थी। वो जो हमारे मुआशरे में मजूब का तसव्वुर पैदा हुआ है वो गालिबन इसी वजह से हुआ है जो बैरूनी मुआशरों में नहीं मिलता। मजूब ऐसे पागल को कहते हैं जो गालिबन पागल होने से पहले खुदा से ताल्लुक रखने वाला होता था और उसकी वजह से पागलपन में भी उस ताल्लुक की जजा उसको मिलती रहती है और उसके मुंह से बाज दफा आरफाना कलेमात जारी होते रहते हैं। जहां जाहिल सोसाइटी हो वहां वो इस नुक्ते को ना समझने की वजह से पागलों की इज्जत करने लग जाते हैं। हर फकीर पागल बेवकूफ हाँ वो गांधी बकने वाला हो उसकी भी इज्जत करने लग जाते हैं, कहते जी मजलूब है। हालांकि ये जहालत है, हर शख्स मजलूब नहीं हुआ करता। मजलूब वो पागल है जिसके पागलपन में भी खुदा के ताल्लुक के आसार जाहिर हों और बसावकात उसके मुंह से इरफान की बातें जारी होती हैं जो कुरान और हदीस और सुन्नत के मजामीन के मुताबिक होती हैं, उनसे टकराने वाली नहीं। बहरहाल जब ऐसी सोसाइटी हो तो जैसा कि मैंने बयान किया है ये इज्जतें तबकात के पेश नजर नहीं की जाती बल्कि तखवा के पेश नजर की जाती हैं। ऐसे भी वहां बुजुर्ग थे जो हर लिहाज से बुलंद मुकाम और मरतबे मरातब रखते थे, अपने ओहदों के लिहाज से भी, दुनिया के लिहाज से भी। उनको इस वजह से कि खुदा ने उनको दुनियावी इज्जत दी है हसद का शिकार नहीं बनाया जाता था। तकवा की सोसाइटी का एक ये भी पहलू है जिसे पेश नजर रखना चाहिए। बाज जो हला तकवा का यह मतलब समझते हैं कि सिर्फ गरीब की इज्जत की जाए और अमीर को नफरत की निगाह से देखा जाए, लेकिन मुत्तकी वो है जो तकवा की इज्जत करता है। तकवा अगर गुदड़ी में भी दिखाई दे तो वो उससे मोहब्बत करेगा और प्यार करेगा, अगर शाहाना फाखिराना लिबास में भी दिखाई दे तब भी वो तकवा से प्यार करेगा। ना गोदड़ी के चीथड़े उसे तकवा की इज्जत करने से बाज रख सकेंगे, ना फाखिराना लिबास की चमक दमक उसकी नजर में हायल हो सकेगी, क्योंकि उसकी नजर तकवा की आशिक होती है, जहां भी दिखाई दे वो उसकी इज्जत करती है। बस ये वो इकराम है तकवा का जो हमने उस आयत करीमा से सीखा जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहे अतकाकुम। हमेशा याद रखना कि तुम्हारा खुदा तकवा को इज्जत देता है। अगर उस खुदा से तुम्हें मोहब्बत और ताल्लुक है तो तुम भी हमेशा तकवा को इज्जत देना। अगर सोसाइटी में तकवा को इज्जत दी जाए तो तकवा पनपता है और बड़ी उम्दगी से नश्व नुमा पाता है। जैसे बहार में अज खुद पौधे जो पहले मुरझाए हुए दिखाई देते हैं
वो नई नई कौंपले निकालने लगते हैं, नए रंग उन पर जाहिर होते हैं। इसी तरह तकवा के लिए एक माहौल की जरूरत है, और ये माहौल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये तकवा की अफजाइश में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इसके नतीजे में, जैसा कि बहार हो या बरसात हो, तो बाज गलत जड़ी बूटियां भी सर निकालने लगती हैं। ऐसे माहौल में बाज दफा दुनियादार लोग भी नेकी के लिबादे ओढ़कर जाती फवायद हासिल करने की कोशिश करते हैं और उनमें नुमाइश आ जाती है, और वो तकवा को बाज दफा पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं। ऐसी औरतें पैदा हो जाती हैं जो पीर बनती हैं, और उनकी एजेंट्स हैं वो मशहूर करती हैं कि फलां बीबी जो है वो बड़ी नेक है, वो इतने तहज्जुद पढ़ती है, इतनी नमाजें पढ़ती है, किसी मुराद को किसी जरूरत के वक्त उसके दरबार में हाजिरी दोगे तो मुरादें पूरी होंगी। ये मर्ज बढ़कर फिर कब्र परस्ती तक पहुंच जाया करती है। ऐसे खतरनाक अड्डों से पनाह मांगनी भी जरूरी है। और बाज बातें हैं जो सच्चे तकवा और दिखावे के तकवा में तफरीक करने वाली हैं, उनको आप पेश नजर रखें। मुझे याद है हजरत मुस्लिम माऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस मामले में बड़ी ही बारीक और निगरान नजर रखते थे। इसलिए बाज लोग जिनकी तरफ लोगों का रुझान होता था उस पर वो सख्त रद्द अमल दिखाया करते थे, और बाद लोग जिनकी तरफ लोगों का रुझान होता था उस पर ना सिर्फ ये कि रद्द अमल नहीं दिखाते थे बल्कि खुद भी उनको दुआओं के लिए लिखते थे। हजरत मौलवी गुलाम रसूल साहब राजे की, हजरत मौलवी शेर अली साहब, हजरत मौलवी सरवर शाह साहब, इसी किस्म के और कसरत से बुजुर्ग थे, हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब, जिनको हजरत मुस्लिम माऊद हर मौके पर दुआ के लिए लिखा करते थे और मोहब्बत और एहतराम से पेश आते थे, और जहां तक तौफीक मिलती थी उनकी खिदमत भी किया करते थे। यानी आम खिदमतों के अलावा भी उनसे मोहब्बत और हदीये देने का ताल्लुक भी रखते थे। लेकिन बाद लोग जो नेकी के नाम पर सर उठाते थे उन पर वो इस तरह बरसते थे जिस तरह आसमान से बिजली कड़क के टूटती है, और बड़े सख्त उनके बारे में परेशान हो जाते थे। उसकी वजह यह थी कि आपकी आंख अल्लाह के नूर से देखती थी और आप जानते थे कि कहां फितना पैदा करने वाली नेकी है जो बज़ाहिर नेकी है लेकिन हकीकत में तकवा से आ रही है, और कहां सच्चा तकवा है। इसकी एक और पहचान भी है जो आम नजर से भी सामने आ जाती है, और वो ये है कि कुरान करीम फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, खुदा से ताल्लुक रखने वाले जो मुत्तकी हैं, तकवा की तारीफ ही हो रही है, वो क्या है? फरमाया मुत्तकी वो लोग हैं जो खुदा जो उनको देता है वो खुदा की राह में आगे जारी करते हैं। बस वो बुजुर्ग जिनका मैंने जिक्र किया, जो सच्चे बुजुर्ग थे, जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के परवरदा थे, उनको एक हाथ से मिलता था तो दूसरे हाथ से लोगों पर खर्च किया करते थे, एक हाथ से मिलता था तो दूसरे हाथ से वो जमात पर खर्च किया करते थे, और जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने पर निगरान और मुस्तैद रहा करते थे। और ये वो बात थी जो उनको आम लोगों से, जो बटोरने की खातिर, लोगों की दौलतें बटोरने की खातिर बुजुर्ग बनते हैं, उनसे मुमताज और अलग कर दिया करती थी। ये जो नेक बीबियों के अड्डे बाज दफा बन जाते हैं, और गैर अहमदियों में तो कसरत से ये रिवाज है, इनमें भी आप ये बात देखेंगे कि ये नेक बीबियां चंदों में पीछे होंगी बल्कि शायद ना ही देती हों, और गरीबों पर खर्च करने वाली नहीं होंगी बल्कि अपने तकवा का ढंडोरा पीट कर अपना एक बुलंद मुकाम बनाकर गद्दी बनाने की कोशिश करती हैं। और ऐसे नेक मर्द भी होते हैं, यानी बज़ाहिर नेक मर्द, और फिर बाजों के मिले जुले हालात भी होते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हाल है। कुछ खर्च करने वाले भी हैं लेकिन बाज दफा रियाकारी उनको नुकसान पहुंचा रही होती है। नेक बनने का शौक इस तरह जाहिर होता है कि जब कोई उनसे झुककर सलाम करता है, उनके हाथों को बोसा देता है, तो वो समझते हैं कि हमारा हक है, और बड़े मजे से हाथों को लंबा करके उस पर बोसे वसूल करते हैं। और मुत्तकी वो है जो शर्म से गर्क हो जाता है, और वो समझता है कि मेरा कोई हक नहीं है, अगर इस शख्स की मेरी बदियों पर नजर डाले तो मुतनफर होकर मेरी तरफ पीठ फेर कर मुझे पीठ दिखाकर चला जाए,
और अब उन दोनों के दिल के मामलात हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कौन मुत्तकी है और कौन नहीं, मगर वो लोग जिनको खुदा अपना नूर अता करता है वो जाहरी तौर पर सबूत ना होने के बावजूद जानते हैं कि किन में सच्चे तकवा की रूह है और किन में सच्चे तकवा की रूह नहीं। इस दूसरे पहलू से तकवा का मेयार बढ़ाने के लिए इंकिसार का मेयार बढ़ाना जरूरी है। याद रखें कि तकवा की जड़ें जितनी गहरी हों उतना ही ज्यादा तकवा का दरख्त नश्व नुमा पाता है, और तकवा की जड़ें गहरी होने का मतलब इंकिसार का बढ़ना है। जितना ज्यादा किसी शख्स में आरिफाना इंकिसार होगा उतना ही ज्यादा उसकी जड़ें जमीन में गहरी पेवस्त होंगी और उतना ही ज्यादा सही मानों में उसका तकवा का दरख्त नश्व नुमा पाएगा। इस मजमून को कुरान करीम ने यूं बयान फरमाया, व असलोहा साबितुन व फरोहा फिस्समा, कि वो कलिमात तैयबा जो खुदा के कलाम का मजहर हुआ करते हैं उनकी मिसाल ऐसे दरख्तों से है जिनकी जड़ें साबित हों और जिनकी शाखें आसमान से बातें करने वाली हों। यहां लफ्ज साबित इस्तेमाल किया गया, ये नहीं फरमाया गया कि जड़ें गहरी हों, लेकिन इस एक लफ्ज साबित ने दो मजामीन बयान कर दिए, क्योंकि बाज दरख्त जिनकी जड़ें गहरी हों और खोखली हों यानी अंदरूनी तौर पर बीमारियों की शिकार भी हों वो साबित नहीं हो सकते, और बाज दफा अपने मादे की मिजाज के लिहाज से यानी जो कुदरत ने मादे को सिफत बख्शी है इस पहलू से बाजों की जड़ें वैसे ही कमजोर होती हैं, गहरी होती हैं मगर जब आंधी चलती है तो वो जड़ों से दरख्त टूट के गिर जाते हैं, और अगर गहरी ना हो और मजबूत हों और जमीन की सतह पर फैली हों जैसा कि अमूमन यूरोपियन दरख्तों में ये बात पाई जाती है, तो बड़े बड़े तनावर दरख्त बहुत अच्छे लहलाहते हुए नशोनुमा पाते हुए हर मौसम में तरक्की करते हुए दरख्त आंधी के मुकाबले पर इस तरह मुनदिम हो जाते हैं जिस तरह खोखली जड़ों वाले दरख्त बाज दफा गिर जाया करते हैं। पीछे जब आंधियां आईं तो जिन जगहों पार्कों में कभी किसी में हम सैर पे जाते रहे हैं उनमें जब सैर पे जाने का मौका मिला तो मैंने ताज्जुब से देखा कि बहुत ही अजीम शान दरख्त जिनका बहुत रोप पैदा होता था उनकी जड़ें सथी थी, और अक्सर दरख्त जड़ों से उखड़े हैं उनकी जड़ें भी साथ उखड़ी हैं, उनके ऊपर लफ्ज साबित का इतलाक नहीं हो सकता क्योंकि साबित लफ्ज में दोनों खूबियां आ जाती हैं, ऐसी जड़ें जो मजबूत हों और दरख्त को तहफ्फुज दें और ऐसी जड़ें जो गहरी हों, क्योंकि इब्तला के वक्त अगर वो गहरी नहीं होंगी तो साबित नहीं रह सकेंगी, इसलिए मजबूत भी हों तो काफी नहीं। बस कुरान करीम की फसाहत और बलावत का यह कमाल है कि उसने तकवा के दरख्त की मिसाल ऐसे जड़ों वाले दरख्त की मिसाल से दी है जिसकी जड़ें साबित हों यानी मजबूत भी हों और गहरी भी हों और कोई इब्तला की आंधी उन्हें हिला न सके और हर हाल में नश्वोनुमा पाने वाले हों। जितनी जड़ें इनकी साबित होंगी यानी मजबूत और गहरी होंगी उतना ही उनका तकवा मजबूत होगा। दरअसल ये तकवा की तारीफ है यानी इंकिसारी वो जो हकीकी और आरिफाना इंकिसारी है, और छुपी हुई नेकियां वो जो जरासीम के असर से पाक हैं और उनके नतीजे में उनके दरख्त वजूद को एक मजबूती और ताकत मिलती है। ये तकवा की बेहतरीन मिसाल दी गई है। जितनी नेकियां उनकी छुपी हुई हैं उतना ही उनके दरख्त को अल्लाह ताला रफ़तें अता करता है। जितनी उनकी नेकियां सेहतमंद हैं उतना ही वो आजमाइशों के मुकाबले पर साबित कदम होने की इस्तेआत रखते हैं और ताकत पाते हैं। ऐसे दरख्तों को अल्लाह ताला फरमाता है कि हर हाल में फल लगते रहते हैं और उनके फल दायमी होते हैं, आसमान से उनको फल मिलते हैं लेकिन जड़ें उनकी
उनके इंकिसार की वजह से छुपी हुई होती हैं और गहरी जमीन के अंदर दाखिल हो जाती हैं और उनकी गहराई का तनासब उनकी बुलंदी के साथ है। साबितुन व फरुहा फस्समा, ये दो मुतकाबिल तस्वीरें हैं जिनका एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। जितनी साबित होंगी, जितनी मजबूत और गहरी होंगी, उतना ही दरख्त बुलंदतर होता चला जाएगा। बस इस पहलू से इन सिफात को परवरिश देने की जरूरत है, इन सिफात की परवरिश करने की जरूरत है। यानी जिस तरह मां परवरिश करती है बच्चों की, जिस तरह एक जमींदार अपने दरख्तों की परवरिश करता है और हर ऐसा जरिया इस्तेमाल करता है जिससे ये सिफात पैदा हों जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इसी तरह उमरा ओहदेदारान को अपने मातहत ओहदेदारान की तरबियत करनी चाहिए और उनसे मामलात के दरमियान जब ऐसी बातें दिखाई दें जिनसे मालूम हो कि बास पहलुओं से उनके तकवा में कमजोरी है, बाज दफा जज्बात से मगलूब हो जाते हैं, बाज दफा किसी शख्स से इस बना पे हसद करने लगते हैं कि उसको अमीर का ज्यादा कुर्ब हासिल है और उसकी कमजोरियों की तलाश शुरू कर देते हैं, बाज दफा अपने मिजाज के इख्तलाफ की वजह से दूसरे की अच्छी बात भी उनको बुरी लगने लग जाती है और मजलिस आमला में इस बिना पर पार्टीबाजियां शुरू हो जाती हैं। बाज दफा गुरोही ताल्लुकात की बिना पर मशवरे गलत दे जाते हैं और जिस के साथ दोस्ती ज्यादा हो उसकी जरूर तायद करनी है, अगर जरूर नहीं तो अक्सर सूरतों में तायद करनी है। इस किस्म की बहुत सी बीमारियां हैं जो जड़ों को खाने वाली हैं। ऐसे दरख्तों की जड़ें बज़ाहिर गहरी भी हों तो साबित नहीं कहला सकती। बस एक अमीर के लिए या एक सदर के लिए या दूसरे मुंतजिम के लिए अगर वो अपना तकवे का मयार बढ़ा ले और खुदा के नूर से देखने लग जाए, ये बातें मालूम करना हरगिज मुश्किल नहीं है। इसलिए इन बातों पर वो तंगी महसूस करने की बजाय ऐसे लोगों के लिए गहरी हमदर्दी के जज्बात रखे, उनकी खातिर दुख महसूस करे। तंगी और चीज है और दुख और चीज है, इन दोनों बातों में फर्क है। तंगी के नतीजे में बाज़ उमरा फिर बेजार हो जाने लगते हैं, कहते हैं क्या बकवास है, किस किस्म के बेहुदा लोग हैं, और वो उनका दिल उचाट होने लग जाता है। दुख के नतीजे में उनके लिए ज्यादा फिक्र, उनसे ज्यादा गहरा ताल्लुक होने लग जाता है। बस तंगी महसूस करने की बजाय उनके लिए दुख महसूस करना चाहिए। तंगी को खुदा तआला ने मना फरमाया है, जैसा कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामन फरमाया वला तस्म अन नास, यहां जो तस्म का मजमून है यह तंगी का मजमून है। तकलीफ तो पहुंचेगी तुझे लोगों के कसरत से आने के नतीजे में, बेवक्त तुझसे मुतालबात करने के नतीजे में, लेकिन दिल में तंगी ना पैदा करना। हां, जो तकलीफ के नतीजे में जो दूसरे लवाजमात हैं उनसे तो इंसान को मफर नहीं है, उनमें दुआ की तरफ मुतवज्जे होना, कुर्बानी की रूह इख्तियार करना, ज्यादा इंकिसार इख्तियार करना और बहुत सी खूबियां हैं जो खुदा की खातिर तकलीफ उठाने के नतीजे में खुद ब खुद पैदा होती हैं। तो अगर तंगी ना हो तो वह खूबियां पैदा होंगी, अगर तंगी होगी तो वह खूबियां जाया हो जाएंगी। बस जब मैं तंगी कहता हूं तो इस वसी मजमून को पेश नजर रखकर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि उमरा को और अहदेदारान को चाहिए कि अपने मातहतों में जब इस किस्म की खामियां देखें तो तंगी महसूस करने की बजाय उनके लिए दर्द महसूस करें और उनको नसीहत करें और उनको इस तरह परवरिश दें कि गोया उनका अपने वजूद की बिना उन पर है। इस पहलू से ओहदेदार और अमीर दरख्त का वो हिस्सा बन जाता है जो बाहर निकला हुआ है, जिसकी शाखें आसमान पे हैं, और ये तमाम ओहदेदार और कारकुन उसकी जड़ें बन जाते हैं। बस एक और मंजर हमारे सामने उभरता है और वो ये है कि हर ओहदेदार को ये समझना चाहिए कि उसके माहसल की बुलंदी और जो कुछ वो खुदा की नजर में हासिल करता है उसकी रफत इस बात पर मुनसिर है, और यानी इस बात पर भी बहुत हद तक मुनसिर है
कि उनके माताहतों का तख्वा कैसा है। अगर वो मुत्तकी होंगे, अगर वो व्यवस्था होंगे और गहरे होंगे और साबित कहला सकते होंगे, तो ऐसे अमीर का दरख्त बहुत रफ़तें अख्तियार करेगा और उसके कामों को बेहतरीन फल लगेंगे। बस इस नई तारीफ के रूह से, इस नए जाविये के रूह से फलों की तारीफ बदल जाती है। यहां फलों से मुराद है जमात की इज्तिमाई कोशिशों का फल। जितना ज्यादा जड़ें अच्छी होंगी और उनके तकवा पर अमीर की या दीगर अहदेदारों की नजर होगी, उसी हद तक उन लोगों की इज्तिमाई कोशिशें फल लाएंगी। और उसके नतीजे में अमीर चूंकि उनका नुमाइंदा है और उनका एक सिंबल बन जाता है, इसलिए उसकी रफतें यानी अमीर की सरबुलंदी और उसकी तरक्की दरअसल सारी जमात की सरबुलंदी और सारी जमात की तरक्की है। तो इस पहलू से गहरी नजर रखते हुए अपने माहौल की निगरानी करनी चाहिए, कमजोरियों पर भी निगाह रखना चाहिए, तख्वा से वाबस्ता उन फितनों पर भी निगाह रखनी चाहिए जिनमें से बाज की मिसाल मैंने दी है, लेकिन और भी बहुत से फितने हैं जो नेकी का रूप धार कर जमातों को शैतानी वसाविस में भी मुबतला करते हैं और शैतानी तहरीकात को फैलाने में मदद देते हैं। उन सब पर निगाह रखते हुए और इस्तग़फ़ार करते हुए और दुआ करते हुए, अगर तमाम वो जमाती अहदेदारान अपने काम को के मैयार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि काम दरअसल खुदा ही ने करने हैं। वही बात है जिससे मैंने इस खुतबे का आगाज किया था कि काम खा छोटा हो खा बड़ा हो, खुदा की तरफ से तौफीक मिल जाए तो हर बात आसान हो जाती है, हर बात पहाड़ी नदियों की तरह खुदराव बड़ी ताकत से बहने लगती है, और उसको चलाने के लिए, उसको जारी करने के लिए किसी बज़ाहिर मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। जो मेहनत उसमें दाखिल होती है वो एक तबी कानून के तौर पर खुद ब खुद उस काम को आगे बढ़ाने में जज्ब हो जाती है, और देखने वाला यही महसूस करता है कि खुद बहने वाली एक ताकतवर पहाड़ी नदी है। लेकिन इन दो बातों पर इसका इनसार है जो मैंने बयान किए हैं, अल्लाह अपने तकवा का मेयार बढ़ाते हुए इन्हिसार खुदा पर करें और दुआओं पर जोर दें और दुआओं पर अपने सब कामों की बिना करें, और फिर अपने मातहतों के तकवा को बढ़ाएं और हमेशा कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला अगर हमें इसकी तौफीक अता फरमाए तो मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारे काम आज जिस रफ्तार से चल रहे हैं उनसे सैकड़ों ज्यादा गुना रफ्तार से और ज्यादा कुव्वत के साथ और शान के साथ आगे बढ़ना शुरू होंगे, और आइंदा नस्लों को जो हम विरसे में तकवा देंगे उसकी जजा हमेशा हमें नसीब होती रहेगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब इख्तिताम पर मैं अपने एक बहुत ही प्यारे भाई साहबजादा मिर्जा मुनव्वर अहमद साहेब की वफात का ऐलान करते हुए ये बताता हूं कि नमाज जुमा के बाद उनकी नमाज जनाजा गायब होगी, और उनके साथ ही हमारे और भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो दुनिया से रुख्सत हुए, जिनके अपने मुकामात और ऐसे मरातब थे जो बाज़ सूरतों में दिखाई देते हैं, बाज़ सूरतों में जैसा कि मैंने बयान किया है नज़र से मख़फ़ी भी रहते हैं। तो इन सबको अपनी दुआओं में इस जनाजे में शामिल करें। एक और दोस्त जिनका इनकी सबका नाम तो पढ़कर सुना दिया गया है, इनमें से दो का जिक्र मैं खसूसियत से करना चाहता हूं। एक हमारे चौधरी फतेह मोहम्मद साहेब नायब अमीर जमात लाहौर, उनकी वफात की भी कल इतला मिली है। ये भी बहुत मुखलिस फिदाई और बेलौस खिदमत करने वाले और हर किस्म की रियाकारी से कुल्लियतन पाक साफ गो साफ दिल इंसान थे, और बहुत ही इन्होंने अमीर जमात लाहौर के लिए उनके काम आसान किए, और उनके दस्ते रास्त के तौर पर ऐसा दस्ते रास्त जो मख्फी तौर पर चलता रहा बहुत ही उनके बोझों को उठाया और उनकी मदद की। इनका खानदान आप जानते हैं, चौधरी फतेह मोहम्मद साहब रजी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान है, ये शायद आप ना भी जानते हों।
इनका ये हम नाम भी थे और कई पहलुओं से उनकी खूबियों के भी मालिक थे। बस ऐसे लोग जो रुखसत हुए हैं, अल्लाह ताला इन सब को उस दुनिया में उनकी नेकियों की जजा दे जो इस दुनिया में उनको तौफीक मिली, और उनकी अगर कमजोरियां रह गई थी तो अल्लाह उनकी पर्दापोशी फरमाए और आइंदा नस्लों को उन कमजोरियों से बचाए और उनकी खूबियां उनमें जारी फरमाए। ब्रादर मिर्जा मुनव्वर अहमद साहब का खत उनके विसाल के बाद मिला है, यानी जिस दिन विसाल की तरह मिली उसी दिन उनका खत मिला, जिसमें उन्होंने एक ख्वाब लिखी है जो शायद पहले मिलती तो मुझे समझ न आती कि इसका क्या मफहूम है, लेकिन ऐन उस वक्त मिली जबकि उसका मफहूम जाहिर हो चुका था। वो लिखते हैं, कल ख्वाब में देखा कि गालिबन नमाज तरावी पढ़ा रहा हूं और तमाम कुरान करीम उस वक्त पढ़कर खत्म किया है। अल्लाह ताला मेरा अंजाम बखैर फरमाए। इस रोया से मालूम होता है कि उनको महसूस हो गया था कि वक्त करीब आ रहा है और खुदा के फजल से खुशखबरी भी मिली है कि अंजाम बखैर है, क्योंकि जिस रंग में अंजाम की खबर दी गई बहुत ही प्यारा रंग है। उन्होंने कभी सारी उम्र तरावी नहीं पढ़ाई और ना ही कभी ऐसी ख्वाब पहले देखी होगी, मेरे इल्म में तो कभी नहीं। बस वफात से कुछ अर्सा पहले रोया में इस किस्म का अंजाम दिखाया जाना बहुत ही मुबारक अंजाम है। जिस दिन उनकी वफात हुई है उससे दो रात पहले यहां दो मुख्तलिफ लोगों ने ख्वाबें देखी, वो भी ऐसा रंग पेश करती हैं कि उस वक्त अगर वफात से पहले बताई जाती तो समझ ना आती कि क्या बात है, लेकिन दोनों ख्वाबें एक ही रात दिखाई गईं और दरअसल एक ही मंजर के दो पहलू हैं, और वफात के बाद फिर वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि क्या मतलब था। एक हमारी खातून जो खुदा के फजल से कई दफा बहुत ही अच्छी सच्ची ख्वाबें देखने वाली हैं, उन्होंने अजीज मिर्जा मुबशर अहमद को जो भाई मुनव्वर के साहबजादे थे हैं उनको देखा कि बहुत मगमूम दिखाई दे रहे हैं, और उसी रात मेरी अहलिया ने ख्वाब में नवाब मोहम्मद अहमद खान साहब मरहूम को, जो इनकी बेगम के भाई और हजरत नवाब मोहम्मद अली खान साहब और सईदा मुबारका बेगम साहिबा के बड़े साहबजादे थे, उनको देखा कि बहुत ही खुश किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये दोनों ख्वाबें अब इकट्ठी हों तो फिर साफ नजर आ जाता है कि क्या मुराद है। मुबशर का मगमूम होना रुखसत के नतीजे में है, और उनकी बेगम के भाई का खुश होना उनकी आमद के इंतजार में है। तो इस तरह अल्लाह ताला जमात को अपने वजूद के रंग दिखाता रहता है और अपने कुर्ब के आसार जाहिर करता रहता है। अल्लाह ताला हमेशा जमात को इस किस्म के कुर्ब के निशान दिखाता रहे जिस पर उनके ईमान की बिना है और इन्हिसार है, जिस पर दर हकीकत हमारे तकवा का इन्हिसार है। साहबजादा मिर्ज़ा मुनव्वर अहमद साहब के मुतालिक सिर्फ एक बात कहकर अब मैं इस खुतबे को खत्म करूंगा कि उनमें जो सबसे ज्यादा हसीन पहलू था वो खिलाफत से उनका इश्क और वफा का पहलू था। ऐसी हैरत अंगेज उनको खिलाफत से मोहब्बत थी और उसका एहतराम मलहूस था कि जब वो मिलते थे तो जिस मोहब्बत और खलूस से मिलते थे मैं पानी पानी हो जाता था शर्फ से। बाज़ दफा तबीयत पर बोझ होता था कि अब ये सबके सामने आके इस तरह इजहार करेंगे तो मेरा क्या हाल होगा। बड़े भाई थे और उससे पहले की जिंदगी में वो नाराज भी हुआ करते थे, उनका बिल्कुल और रंग का ताल्लुक था, लेकिन जब से खुदा ताला ने खिलाफत का मनसब अता किया उनकी कैफियत ही बदल गई। और सब भाइयों में मैंने सबसे ज्यादा इस पहलू से उनमें इम्तियाज देखा है, एक गैर मामूली इम्तियाजी शान पाई है। तो अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत फरमाए और उनकी औलाद को भी ये नेकियां जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। क्या क्या सूरतें हैं जो खाक में पिनहा हो गई हैं या हो रही हैं, ये सूरतें पिछली सदी ने पैदा की थी। खुदा करे कि अगली सदी में इनके पसमंदगान की गुलोलाला की शक्ल में इनकी खूबियां जिंदा रहें और अगली सदी इन बुजुर्गों का ये विरसा पाए, और फिर उनके पिनहा होने के बाद नए लाला गुल फूटते रहें। खुदा करे कि ये सिलसिला दवाम इख्तियार करे और हमेशा अच्छी नस्लें पीछे छोड़कर जाने वाली हों।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाह मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युदलिलहु फला हादिया लह ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله एक और दोस्त का मैं जिक्र करना चाहता था जो मैंने कहा था तीन का मैं करूंगा वो भूल गया। वो जमात इंग्लिस्तान के एक अंग्रेज नॉन मुस्लिम हैं मिस्टर बिल हेजेस। ये हार्टले पूल के रहने वाले थे और मोहम्मद बुजुर्ग थे जिनकी बेगम ने सबसे पहले बैत की और बहुत ही नेक खातून हैं और बेहद तबलीग का शौक और उनकी तबलीग के नतीजे में फिर ये उनका बेटा भी हुआ उनके वालिद भी खावंद भी हुए उनकी बहुएं भी हुई और अब वो एक अंग्रेज खानदान है जो ऊपर से नीचे तक सारे का सारा सच्चे दिल से मुखलिस मुसलमान बना हुआ है। अल्लाह ताला कसरत से जमात अहमदिया को ऐसे और खानदान अता करे। बाद और भी हैं पहले के, मैं एक कहने से कहना गलती है क्योंकि मेरे जहन में फौरन बाद और खानदान भी आए हैं जो मुकम्मल खुदा के फजल से मुखलिस अहमदी हैं। तो हिन्दुस्तान के मुआशरे को इस्लामी मुआशरे में तब्दील करने के लिए ये जहलाना एहतजाज काम नहीं आएंगे जिस तरह आजकल लोग बाद एशियाई मुसलमान कर रहे हैं कि गलियों में निकलकर अपने मुआशरे के हकूक का मुतालबे कर रहे हैं। इन लोगों के अंदर पाक तब्दीलियां पैदा करनी जरूरी है। इनके खानदानों को इस्लामी मुआशरे का रंग देकर इनके सामने मिसाल के तौर पर रखना जरूरी है। तो इनके ये भी बहुत, जैसे कि मैंने बयान किया, साफ दिल सीधे साधे बहुत ही नेक इंसान थे। इनको भी नवाज जनाजा में याद रखें दुआओं में, खासतौर पर क्योंकि आपके इंग्लिस्तान की जमात से ताल्लुक रखते हैं। और इस जिमन में याद रखें कि जब भी कोई नेक आदमी फौत हो उसके साथ उसके पसंदगान के अलावा उसकी नेकियों के मजीद नशो नमा पाने के लिए भी दुआ करनी चाहिए ताकि एक की कमी हजारों दूसरों के हसूल के नतीजे में पूरी हो। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आज चूंकि अंसारुल्लाह का इज्तिमा है और बहुत से मेहमान आए हुए हैं जिन्होंने फिर यहां से इस्लामाबाद भी जाना है, इसलिए नमाज जुमा के बाद असर भी साथ ही पढ़ी जाएगी, यानी नमाज जुमा के साथ असर जमा होगी। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बगी يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ